सारे छात्र छात्राओं का एग्रीकल्चर की वर्चुअल क्लास में अभिनंदन स्वागत। आप सभी को सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। आपकी अब स्कूलें खुलने का प्रबंध हो रहा है, 21 तारीख को आपकी क्लासेज क्लासरूम क्लासेज होगी। इसके लिए आपको एक सहमति पत्र अपने पेरेंट्स से भर के देना है, वो 15 तारीख तक दे दीजिए। आपको जो कुछ पढ़ाया गया है इस वर्चुअल क्लासेज में, इस वर्चुअल क्लासेज में जो कुछ आपको लेसन दिए गए हैं, उस लेसन को आप अपनी नोटबुक है उसके अंदर इसको लिख लीजिए, नोट्स वगैरह को, और वो होमवर्क है आपका वो कर लीजिए। छठा पार्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, 5 पार्ट तक आपको लेसन, क्वेश्चन और नोट्स ये अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसको देख लीजिए और कर लीजिए। अब जो क्लासेज होगी, क्लासरूम क्लासेज होगी, उसमें आपको इस पाठों से संबंधित जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, और उसका तब पता पड़ेगा जब आप इन चीज़ों को, जो आपको हमने नोट्स उपलब्ध कराए हैं या हमने आपको जो क्लासेज में लेसन दिए हैं उसको आपने सुना है और देखा है, तो उसके ऊपर हमारी चर्चा होगी, अन्यथा हम आगे से पढ़ेंगे। छठे पाठ में हम लोग फसल उत्पादन पढ़ रहे हैं, धान्य फसलों के किस प्रकार से कल्टीवेशन होता है, वैज्ञानिक खेती कैसे होती है, इसको देखा है हमने। दलहनी फसलों में 3 फसलें हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं उड़द, हम पढ़ चुके हैं मूंग, हम पढ़ चुके हैं मोठ। ये 3 फसलें जिनकी वैज्ञानिक खेती कैसे होती है हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं अरहर। इसका वानस्पतिक नाम पढ़ें, वानस्पतिक नाम कैजेनस 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 कैजन लीनियस, और इसका कुल का नाम फेबेसी, जिसको हम लेग्यूम कुल भी बोलते हैं, इसलिए इसका पुराना नाम है लेग्यूमनेसी। इसका उत्पत्ति केंद्र और इसकी सामान्य जानकारी या महत्व, अफ्रीका है इसका और भारत। सामान्य जानकारी, ये प्रमुख दलहनी फसल है, इसमें 21-23% प्रोटीन पाई जाती है, ये चारे के रूप में, दालों के रूप में, चारे के रूप में भी इसका उपयोग होता है, और खेत की तैयारी, इसमें आपको मिट्टी के प्रकार की, मिट्टी की पीएच का, जलवायु यानी तापमान का, और वार्षिक औसत वर्षा का विवरण आपको ध्यान में रखना है। खेत को तैयार करने से पहले आपको हैरो कल्टीवेटर या मिट्टी पलटने वाले हल से एक दो जुताइयाँ करनी है, और हल्की दोमट या चिकनी मृदा, चिकनी दोमट मृदा जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो, औसत वार्षिक वर्षा 70 से 100 mm हो, तापमान इसका 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, अंकुरण और परिफलन इसके लिए अनुकूल हो, ऐसी मिट्टी में अरहर की खेती की जाती है। और इसके लिए किस प्रकार का बीज और बीजोपचार हम काम में करते हैं
अरहर जैसा कि आपने देखा है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अन्य दलहनी फसलों की प्रोटीन की मात्रा के समान है, इसलिए इसका उपयोग दालों के रूप में प्रमुख रूप से किया जाता है। बीज और बीज उपचार में हम जो शुद्ध किस्में हैं, शुद्ध किस्में और मिश्रित किस्में, शुद्ध किस्में और मिश्रित किस्में, मिश्रित किस्मों में 6 से 8 kg प्रति हेक्टर बीज लिया जाता है और इसमें 10 से 15 kg प्रति हेक्टर बीज को काम में लेते हैं। बीज को काम में लेने से पहले बीज उपचार भी करते हैं। ट्राइकोडर्मा चार से पाँच और क्लोरो फास 4 से 5 ml है ना, 4 से 5 ml और ट्राइकोडर्मा 4 से 5 g प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करते हैं। क्लोरोपायरोफास 4 से 5 L इसका भी, इसके अंदर बीजों को भिगोया जाता है, प्रति kg बीजों को भिगा के फिर बीजों को सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसको बोया जाता है। बुआई कैसे करते हैं हम? सामान्य बुआई है इसकी, कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी और बीज की गहराई, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी बुआई करते हैं। बुआई का समय इसका, ये भी एक प्रकार की खरीफ फसल है ना। तो बुआई के पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 cm और कतार से कतार की दूरी 30 से 35 cm, बीज गहरा बोते हैं 4 से 5 cm। वैसे 3 प्रकार की जो अरहर है इसके हैं, एक तो शीघ्र पकने वाली, मध्यम देरी से पकने वाली और देरी से पकने वाली। तो इस तरह से इसकी बुआई भी हम उस हिसाब से करते हैं और इस प्रकार से बीज भी हम इस प्रकार से काम में लेते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं उन्नतशील किस्में कौन कौन सी आपको लेनी है। उन्नतशील किस्में, उन्नतशील किस्में अरहर की आपको कौन कौन सी लेनी है? पूसा की वैरायटी लेनी है आपको, पूसा अरहर की किस्में हैं ये लेनी है। पूसा 33, पूसा 120, पूसा 855, 33, 120 और 855, ये पूसा की अरहर किस्में लेनी है काम में। इसके अलावा आपको जागृति, और मध्यम देरी से पकने वाली किस्मों में आपको लेनी है आशा, मध्यम देरी से पकने वाली किस्मों में आपको लेनी है आशा और देरी से पकने वालों में लेनी है पूसा बहार, देरी से पकने वाली किस्मों में पूसा 3 और पूसा बहार, और ये आपको मैंने बोली है, ये है शीघ्र पकने वाली फसलों में। खाद और उर्वरक, इसमें आपको NP के काम में नहीं लेना है, जिप्सम काम में नहीं लेना है, सड़ी गोबर की खाद भी काम में नहीं लेनी है आपको, और राइजोबियम कल्चर करना है आपको।
राइजोबियम कल्चर नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए आपको राइजोबियम कल्चर का उपयोग करना है। तो खाद कितने काम में लेनी है आपको, नाइट्रोजन 10 केजी और फास्फोरस 30 केजी। इसको आप पांच पांच के दो टुकड़ों में बुआई के समय और पुष्पन के समय, सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल में करनी है आपको। क्रांतिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर करनी है। क्रांतिक अवस्थाएं इसकी दो हैं, एक पुष्पन के समय और दूसरा दाने के समय, दाना आने के समय। इसके अलावा आपको ये सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल में करनी है। खरपतवार उन्मूलन, खरपतवार उन्मूलन में निराई गुड़ाई करते हैं। सामान्यतः 25 से 30 दिन के बाद में इसमें निराई गुड़ाई की जाती है और इस दौरान जो अवांछित फसलें, अवांछित फसल कोई उगी है उसको आप हाथ से किस तरह से यांत्रिक विधि से इसको अलग करें, और यदि किसी तरह से डिस्टर्ब हुआ है इसका एवेन्यू पी से पी और एल से एल, उसके अंदर वांछित किस्म भी है तो आप उसे हटा दें। एक माह के बाद आप इसमें रासायनिक फ्लोरोक्लोरीन, रसायननाशी फ्लोरोक्लोरीन वन केजी 1000 ml, फ्लोरोक्लोरीन 1 kg 100 ml पानी में इसको घोलकर छिड़काव करते हैं। फ्लूक्लोरेलिन पौध संरक्षण में कीट व्याधियां जो मूंग मोठ और उड़द में थी वही व्याधियां इधर भी है, यानी कि तना छेदक रोग, सफेद मक्खी या मोइला रोग, ये उनमें भी था और उनके अंदर किस प्रकार से वयस्क कीट या लार्वा एंटर होता है और किस प्रकार से पौधे को प्रभावित करता है और किस प्रकार से पौधे का हम उपचार करते हैं वो सेम बात है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अन्य रोग जैसे कि आपने पढ़ा उड़द में, मूंग में, मोठ में जीवाणु रोग और वायरस रोग, फंगल रोग, इसमें एक प्रमुख रोग है उकठा रोग। उकठा रोग ये फंगल रोग है, फंगल डिजीज है। उकठा रोग क्या होता है, इसमें पौधा जो है इसकी पत्तियां जो है सूखकर सड़ने लगती है, कवक जनित है, शाखाएं पत्तियां झुलस कर सूखने लगती है, काली पड़ जाती है, और इसकी रोकथाम के लिए मेटासिस्टॉक्स का प्रयोग करना चाहिए। मेटासिस्टॉक्स का प्रयोग करना चाहिए या फिर इसके लिए प्रतिरोधी किस्में काम में लेनी चाहिए। उपज और उत्पादन, प्रति हेक्टर
कितना उत्पादन होता है, 15 से 20 क्विंटल, 15 से 20 क्विंटल और चारा है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर ये प्राप्त होता है। तो ये अरहर के लिए मैंने सामान्य जानकारी दी आपको, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। वानस्पतिक नाम देख लीजिए, इसके कुल का नाम देखो, उत्पत्ति केंद्र देखकर इसका जो सामान्य जानकारी है, खेत कैसे बुआई से पहले तैयार किया जाता है, बीज और कितना लेते हैं, कैसे उपचार करते हैं, किस प्रकार से उसकी बुआई के अंदर इसका मेन्यू रखते हैं, फिर उन्नतशील किस्में देखनी है, खाद उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार अनुलन और पौध संरक्षण, इस तरह से ये आपका एक और फसल जो है वो कर दी हमने। और अब एक फसल और आपको मैं इसमें बता देता हूँ जिसका नाम है चवला। चवला के बाद में एक और फसल रह जाएगी जो दलहनी फसल है, वो है चना। उसके बाद आपके दो पार्ट इसके पूरे हो जाएंगे, एक पार्ट धान्य फसलें छह हो गई, दूसरा पार्ट दलहनी फसलें छह हो गई। चवला वानस्पतिक नाम कुल का नाम उत्पत्ति केंद्र सामान्य जानकारी मोटे रूप से बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर आप भले ही ये कहीं आपके ज़्यादा महत्व का नहीं है लेकिन आपको पौधे का नाम याद आना चाहिए, पौधा किस फैमिली को बिलोंग करता है वो आना चाहिए, इसका ओरिजिन सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है ये भी आपको आना चाहिए, है ना। तो इसका नाम आप देखिए विग्ना एंगुइकुलेटा, विग्ना एंगुइकुलेटा, विग्ना एंगुइकुलेटा लीनियस, कुल का नाम फैबेसी या लेग्यूमिनोसी, उत्पत्ति केंद्र भारत अफ्रीका, सामान्य जानकारी चवला जो है ये भी दलहनी फसल है, दाल के रूप में इसको काम में लेते हैं, और इसका चारे के रूप में उपयोग होता है, दाल के रूप में इसका प्रयोग होता है, चावले की सब्जी बनाई जाती है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा अन्य फसलों की तुलना में, अन्य दलहनी फसलों की तुलना में कम, 13% प्रोटीन। आपने देखा था जो भी आपने धान्य फसलें पढ़ी थी वो सारी की सारी किस कुल की थी, पोएसी की थी, इसी तरह आप दलहनी फसलें पढ़ेंगे सारी की सारी फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल की होगी, इसलिए कुल के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। खेत की तैयारी कीजिए, हैरो, मिट्टी पलटने वाले हल, देसी हल, इससे आप एक दो जुताइयां करिए, और एक दो जुताइयों के बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाइए, ढेले तोड़ दीजिए, और ढेले तोड़ने के बाद में पाटा लगाकर इसका समतलीकरण कर दीजिए, और उसके बाद में इसमें आपको बुआई करना है। अब आप किस प्रकार की मृदा है इसको काम में लेंगे ये भी ध्यान होना चाहिए आपको, गर्म और सूखे को सहन करने वाली फसल है ये, अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट मृदा, अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट मृदा जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो,
वार्षिक औसत वर्षा सत्तर से सौ mm हो और तापमान अंकुरण के लिए और पकने के लिए 31 से 37 डिग्री सेल्सियस हो, यह मृदा जो हल्के हल्की दोमट, अच्छे जल निकास वाली और हल्की दोमट हो और वार्षिक औसत वर्षा जिसमें 70 से 100 सेंटीमीटर हो, जिसका पीए 6.5 से 7.5 हो, तापमान फलन के लिए अंकुरण के लिए इसके अंदर कितना हो 31 से 37 डिग्री सेल्सियस हो, यह मृदा चवले की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बीज एवं बीजोपचार, कितना इसमें बीज दर और बीज का रोग उपचार, ये दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको। जब भी बीज और बीजोपचार आता है तो बीज दर और रोग उपचार, तो बीज आपको शुद्ध है तो 15 से शुद्ध किस्म, किस्मों में 15 से 20 केजी प्रति हेक्टर और मिश्रित किस्मों में 8 से 10 केजी प्रति हेक्टर बीज आपको लेना है, ठीक है। और इसको आप थायरम या कैप्टन 3 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से इसका उपचार करेंगे फंगल डिजीज वगैरह के लिए। और राइजोबियम कल्चर तो काम में आपको लेना ही है, राइजोबियम कल्चर हम इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन आसानी से हो। बुवाई में आपको इसका समय देखना है, पौधे से पौधे के बीच की दूरी देखनी है, कतार से कतार के बीच की दूरी देखनी है और बीज की गहराई यानी बीज कितना गहरा आपको बोना है ये देखना है, ठीक है भाई। ये भी आपकी खरीफ फसल है, खरीफ फसल है ये, तो समय जून से जुलाई, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, लाइन से कतार की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर और बीज गहरा बोना चाहिए 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए, पहली बात। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवां है उन्नतशील किस्में। आपको बीज कैसी कैसी किस्मों का, अच्छी किस्मों का लेना है ताकि जो हमारा उत्पादन प्राप्त हो वो हमें ठीक मिले। आइए उन्नतशील किस्मों में आरसी, जेसी और जेसी। आरसी 101, आरसी ये किस्म का नाम है, जेसी 10, जेसी 5, जेसी 10 और आरएस एक और किस्म है, नाइन। अब खाद और बीज ले लें, खाद और उर्वरक, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, यू आर नॉट सपोज टू यूज पोटास, सड़ी गोबर की खाद भी काम में नहीं लेनी है आपको, जहाँ तक ये दलहनी फसलें हैं इसमें जिप्सम वगैरह भी काम में नहीं लेना है आपको, ठीक है। 15 से 20 किलो दो टुकड़ों में और ये 30 केजी, आपको खाद रूप में नाइट्रोजन दो भागों में देनी है, एक तो आपको कब देनी है जब आपका इसकी बुवाई करते हैं तब देनी है, दूसरा पुष्पन के समय नाइट्रोजन को देनी है और फास्फोरस
एक साथ देनी है 30 केजी। सिंचाई आपको 8 से 10 दिन के अंतराल में करनी है। यदि बारिश नहीं है तो 10 से 15 दिन के अंतराल में, बारिश नहीं है तो 8 से 10 दिन के अंतराल में करनी है, और बारिश है तो 15 से 20 दिन के अंतराल में करनी है। और इसकी क्रांतिक अवस्थाएं भी आपको देखनी है। क्रांतिक अवस्थाएं जब आपको हो तब आपको सिंचाई देनी ही है, यानी आपको कब देनी है, पुष्पन के समय और दाना आने के समय। खरपतवार का नियंत्रण करना है, यानी निराई गुड़ाई करनी है, ये भी आपको पच्चीस से 30 दिन के बाद में प्रथम निराई गुड़ाई करनी है। और प्रथम निराई गुड़ाई करने के अंदर जो अवांछित किस्में हैं, प्रथम निराई गुड़ाई अवांछित जो फसल है उसको हटा दीजिए, और यदि 10-15 सेंटीमीटर के बीच में कोई मुख्य फसल है उसको भी हटाइए, और 30-30 सेंटीमीटर के बीच में कोई मुख्य फसल है उसे बटाइए। इसको किस तरह से हटाएंगे, आपको यांत्रिक विधि से या सामान्य जो है खुरपी वगैरह से इसका उपयोग करके इसको हटा दें। और बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने और फसलों में भी पढ़ा है कि फ्लू क्लोरेलिन 1 केजी 1000 ml, 1 केजी दवा 1000 ml में पानी में लेकर के इसका भी छिड़काव करना फायदेमंद है। पौध संरक्षण करें, पौध संरक्षण में कीट व्याधियां देखनी है जो आप देखते आ रहे हो। पौध संरक्षण में 2 टुकड़े हैं, एक कीट व्याधियां और एक अन्य व्याधियां। कीट व्याधियां में मोयला रोग जैसा कि उधर था, अन्य फसलों में भी था मोयला रोग, आप 1, 2, 3, 4, 5वीं फसल पड़ रहे हैं, 4 फसलों में मोयला रोग इससे पहले भी था। मोयला रोग जो है चौले की पत्तियों को, दानों को, इसका दूध होता है उसको ये खा लेता है। और इसकी रोकथाम के लिए, जिससे क्या होता है पत्तियां कम, जिससे जो दाने होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और जो दाने के अंदर पौष्टिकता होनी चाहिए वो नहीं रहती है, वैसा दाना प्राप्त नहीं होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप कीजिए मेलाथियन 50 FC 1 लीटर, मेलाथियन 50 FC, इसी करते हैं 1 लीटर दवा, ये पानी में इसको मिला करके इसका छिड़काव करना है। और या आपको फॉस्फोमिडॉन या डाइडर्मेटॉन, ये कोई भी एक दवा काम में ले लीजिए आप, 1 लीटर किसी एक को लेकर के 1000 लीटर पानी में घोलें, इसको 1000 लीटर पानी में घोलें और छिड़काव करें। ये मोयला रोग। अन्य रोग जो है उसमें तना छेदक वगैरह भी है, इसमें जो है साफ कर दीजिए। बी हम लेते हैं अन्य रोग। अन्य रोगों में जैसे आपने फसलें पड़ी थी उसके अंदर बैक्टीरियल रोग भी था, वायरल रोग भी था, हम इसमें शुष्क मूल विगलन रोग, शुष्क मूल विगलन रोग जो अन्य फसलों में नहीं थे उन रोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मूल शुष्क मूल विगलन रोग ये कवक जनित है,
इसमें पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, सूख जाती है और झड़ जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करें, क्विटोजिन 8 केजी प्रति किलो के हिसाब से, क्विटोजोन 8 ग्राम 8 केजी करें प्रति हेक्टर के हिसाब से, इसका छिड़काव करें। चाचिया रोग जिसको हम पाउडरी मिल्डी रोग भी बोलते हैं, चूर्णिल ये कवक जनित रोग है, फंगल है, ये भी फंगल है। इसमें क्या है कि पत्तियों की सतह पर सफ़ेद सैंती या चूर्णिल सैंती बन जाती है, जिससे पत्तियां जो है उसमें कमजोरी आ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए आपको 1.5 किलो सल्फर कवकनाशी काम में लेना है, 1.5 केजी या कैप्टन काम में लेना है, ठीक है। अब आपका लास्ट बिंदु है, वो है कटाई मड़ाई, जो मैंने पिछली फसल में आपको नहीं बताया, मैं भूल गया, इसमें बताता हूँ। कटाई मड़ाई में क्या होता है कि जब पत्तियाँ फलियाँ जो होती है वो काली भूरी पड़ जाती है, उस वक्त आप हसिए से इसकी कटाई कर देते हैं और नमी कम होने पर इसकी मड़ाई करके दाने को अलगाते हैं। और लास्ट बार अब है उपज या उत्पादन। उपज या उत्पादन 5 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर। हरा चारा लेना है आपको, ये बीज दाने के लिए हरा चारा 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। तो इस तरह से मैंने आपको आज भी दो दलहनी फसलें बताई, एक अरहर बताया, एक चावला बताया। पिछले टाइम पर मैंने आपको मूंग और मोठ बताया, अब मेरे पास केवल एक ही फसल रहती है चना, जिसको नेक्स्ट टाइम पर अपन करेंगे। तो इसमें भी आपने मुख्य रूप से देखा, आपको मैंने बताया कि 6 की 6 फसलें फेबेसी कुल को ही बिलोंग करती है। एक इनका बॉटनिकल नाम आपको आना चाहिए, मुख्य रूप से ये मैंने भारत लिखा है तो यहाँ पे मध्य अफ्रीका लिख देता हूँ, अफ्रीका तो लिखा हुआ थाइज, और सामान्य जानकारी में कितनी प्रोटीन होती है वो है, और बाकी लगभग चीज़ें वही आ रही है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि अब आपकी क्लासेज हैं।